क्लास 8 होली चाइल्ड स्कूल इंग्लिश ग्रामर वर्कशीट नंबर 8 एडवर्ब्स. नाउ एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स. तो एडजेक्टिव्स क्या है? नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, उसका मतलब में बदलाव लाते हैं. और एडवर्ब्स क्या? वर्ब्स, एडजेक्टिव्स या अदर एडवर्ब्स में ये लोग बदलाव लाते हैं. तो क्वेश्चन हमारा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंडिकेट वेदर द हाईलाइटेड वर्ड इज एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव. तो हमको बताना, ये जो हाईलाइटेड यानी ब्लैक ब्लैक जो बोल्ड हमको दिख रहा है वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है. तो बहुत सरल नियम है भाई, जो हमको डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. तो यहां देखो, माई बस फॉर स्कूल अराइव्ड लेट एज यूजुअल. तो ये लेट किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? आया लेट, आया यानी अराइव्ड, ये वर्ब है. तो वर्ब के लिए इसको इस्तेमाल किया गया, यानी लेट हमारा एडवर्ब हो गया. तो यहां डैश में आप एडवर्ब लिखोगे. दूसरा देखो, आई कॉट द लेट ट्रेन टू जलंधर. यहां पर लेट क्या? लेट ट्रेन. लेट किसके लिए? ट्रेन के लिए. ट्रेन आपका नाउन है, एक थिंग है आपका. तो यहां लेट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा. तो थोड़े से ही है, मैं और नहीं बताऊंगा. ये जो सिंपल सरल सा नियम बताया आपको, आप इसको फॉलो करो. ऐसा नहीं कि हर में आपका जो एडवर्ब है, देखो एडजेक्टिव हमेशा आपको उसके साथ नाउन मिलेगा. पहली बात तो एडजेक्टिव अगर होगा तो उसके साथ नाउन आपको मिलेगा, और एडवर्ब अगर एडवर्ब होगा तो उसके साथ या तो वर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब भी हो सकता है. थोड़ा ध्यान से करना, अगर ध्यान से करो तो सारे ठीक होंगे. इसको करके आप फोटो भेजोगे, ये एक नंबर काम है. दूसरा काम है नेक्स्ट एक्सरसाइज वर्कशीट 9 कंजंक्शंस. तो कंजंक्शन आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो. कंजंक्शन हम दो क्लॉज या दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को हम जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. अब थोड़ा सा हम कंजंक्शंस के प्रकार को थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे एक बार. तो कंजंक्शंस आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के होते हैं. पहला हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये हम इस्तेमाल करते हैं दो शब्दों को, दो फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, जो कि इक्वल इंपॉर्टेंट है, एक ही जैसे, दोनों ही बराबर बराबर मतलब बनते हैं. दोनों मिलके आपका पूरा सेंटेंस बनेगा. और बेसिकली ये तीन तीन छः सात, ये जो सात आपको दिख रहे हैं शॉर्ट में फैन बॉयज, फॉर का एफ, एंड का ए, नॉर का एन, तो ये जो है सात, ये बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं. सेकेंड हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ये इस्तेमाल करते हैं हम टू जॉइन एन इंडिपेंडेंट एंड कंप्लीट क्लॉज. तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी एक भाग सेंटेंस का जो इंडिपेंडेंट यानी उसका अपने आप से पूरा मतलब होता है, और एक होगा डिपेंडेंट क्लॉज यानी दूसरा पार्ट जो सेंटेंस का जो कि पहले पार्ट के ऊपर निर्भर करता है, उसका मतलब पहले पार्ट के बिना इसका मतलब नहीं होगा, ठीक है ना. तो जो मेन जिसका मतलब पूरा होता है उसको मेन क्लॉज बोलते हैं, और जो सेकेंड होता है जो डिपेंड करता है उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. तो ये ऑल दो, एज, बिफोर, वंस, दो, अनटिल, वेदर, इट्स, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. तीसरा हो गया कोरिलेटिव कंजंक्शंस. दे आर पेयर ऑफ कंजंक्शंस यूज इन अ सेंटेंस टू जॉइन. ये जोड़े जोड़े दो दो करके हम लोग यूज करते हैं, दो एक साथ यूज होते हैं, मतलब सट सट के नहीं, एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना. बोथ एंड, आइदर और, जस्ट एज सो, नाइदर नॉर, ये है कुछ एग्जांपल्स जो कि आप पहले क्लास में भी कर चुके हो. तो हम देखते हैं एक्सरसाइज. तो यहां पर आपको ज्वाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग अ कंजंक्शन. यहां पर बताया नहीं है कहां सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग, ऐसा कुछ नहीं बताया है. ये आपको थोड़ा सा मतलब समझ के आपको करना है. तो इसमें दो अलग अलग सेंटेंस है, तो इसमें आप जो मीनिंग सही बैठता है उसमें आप यूज कर सकते हो. वी कैन गो फॉर अ वॉक, वी विल डू सो इफ द वेदर इज फाइन. तो हम लोग वॉक के लिए जा सकते हैं. वी विल डू सो, हम लोग ऐसा करेंगे अगर मौसम अच्छा हो तो. सो वी कैन गो फॉर अ वॉक इफ द वेदर इज फाइन, अगर वेदर अच्छा होगा. एक दूसरा ले लेता हूं. 5, डू नॉट स्टार्ट द म्यूजिक येट, द स्पीकर हैज नॉट फिनिश्ड. तो इसको क्या कर सकते हैं हम? इसको सो के साथ जोड़ सकते हैं. द स्पीकर हैज नॉट फिनिश्ड, सो डू नॉट स्टार्ट द म्यूजिक. येट नहीं आएगा, ठीक है ना. स्पीकर ने अभी तक खत्म नहीं किया भाषण. स्पीकर किसको बोलते हैं? स्पीकर बजने वाला स्पीकर नहीं, जो भाषण दे रहा है उसको स्पीकर बोला जाता है यहां पर.
तो द स्पीकर हैज नॉट फिनिश्ड सो डू नॉट स्टार्ट द म्यूजिक. स्पीकर ने अभी भाषण मतलब देना खत्म नहीं किया, इसलिए अभी म्यूजिक या गाना मत बजाओ, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. तो इनको भी ध्यान से करना आप. मतलब देखो वही रहना चाहिए, मतलब नहीं बदलना चाहिए. तो दोनों का आप सुंदर तरीके से करके आप भेजना. किताब में अगर पहले से लिख रखा है तो आप कॉपी में करके भेजना, नहीं तो किताब में ही सुंदर से बढ़िया से लिख के भेजना पेंसिल में.